अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा सेट चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले, आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पे मैं दोबारा हॉल लेके आई हूँ, समर हॉल लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ जो मैंने गर्मियों के लिए मेरी बहन फैसलाबाद से लेके आई थी। तो मैंने कहा कि मैं मेरे लिए बनवा के ये वाला सूट, तो मैंने कहा कि ये सब सूटों की मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो मैंने ये चार पांच है मेरे पास सूट, तो उनको सबको मैं दिखाऊंगी। आपका काम ये है कि आपने बताना है आपको कौन सा फेवरेट है। जैद को सबसे ज्यादा फेवरेट नंबर वन लगा है, फिर ब्लैक वाला और फिर ऑरेंज वाला। चले जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं ये आपको बताएंगे जैद। तो मैं वही जो क्लॉथ हॉल सूट जो पहन के वो जो क्या कहते हैं उसको, हॉल ही कहलाते हैं, ट्राई ऑन कहते हैं। तो ये इनके कुछ सूट थे, तो मैंने कहा चलो काफी दिन हो गया ट्राई ऑन नहीं लेकिन लगाया, तो इसको भी बना ले। आप लोग पसंद जो चीज आए पसंद कर रहे हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आप कर करो। ड्रेस सूट पाकिस्तान में नए टाइप के डिजाइन खासतौर पर खवातीन लड़कियां फीमेल औरतें वो देखना चाहती हैं, तो आप वो अभी आपके पास हैं तो उनका करते हैं। तो एक्चुअली हम करेंगे समर हॉल दोबारा, पहले भी मैंने लॉन्ग के कपड़े किए थे जो घर में पहन सकते हैं, आज भी करेंगे समर हॉल लेकिन थोड़ा सा फैंसी और नॉर्मल मिक्स करेंगे कि आप अगर बाहर शाम में कहीं जा रहे हैं, किसी घर जा रहे हैं तो वो भी पहन सके। एक्चुअली ये मेरी बहन जो है फैसलाबाद से मेरे लिए लाई थी, मैंने सारे खोल दिए, इसका दुपट्टा नहीं है। तो इनको इस्त्री करेंगे और पहनेंगे, तो ये भी सारे अभी तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सारे ये इसमें पड़े हुए हैं, तो इसमें निकाल के तो फिर आपको इस्त्री करके दिखाएंगे। लेकिन ये आप पूछेंगे ये सूट मैं जैद ने हमने लास्ट ईयर दिया था और बहुत खूबसूरत सा है, समर कलर्स हैं और बड़ा कम्फी सा है, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है। इसका तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से लिया, आप लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि कहाँ से लिया। मैं पहले भी मेरा ख्याल इसका तो बता चुकी हूँ, पहले भी किसी। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ, सकता मैंने बता दिया, लेकिन आज ऐसा करेंगे कि आज आपको डिटेल और ज्यादा बताएंगे कि आपने मेरे स्लीपर्स के बारे में भी पूछा था, जो मैंने सैंडल्स पहने हुए थे वो मैं कहाँ से लिए, तो उसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल रहेगी। ये तो मेरे घर के कम्फर्टेबल जो मैंने एयरपोर्ट वगैरह पे घर में पहनती हूँ वो वाले चप्पल ही पहने हुए। अच्छा, उसके बाद ये ट्राई ऑन हो जाए ना तो फिर मेहरबानी करके बाजू की तरफ निकल जाना था, उसमें लेट क्यों कर रही हूँ जाने में? उसमें लेट नहीं कर रही, तो फिर मैं चेंज करता हूँ कपड़े। जाहिर अगर ट्राई ऑन ये करना है तो इसका स्टार्ट इसका लेगा, फिर मैं बाद में जाके छोड़ूंगा। तो चले अब मैं चेंज करके आती हूँ, पहला ड्रेस आपने फिर बताना है लास्ट में कि कौन सा ड्रेस है। मैंने कर लिया चेंज, देखें फिरोजी कलर आप लोगों को बहुत पसंद आया था लास्ट टाइम, तो मैंने कहा फिर फिरोजी एक और कर लेते हैं। आप काफी लोगों ने कहा था कि फिरोजी कलर अच्छा लग रहा है, और इसका जो जॉर्जेट का दुपट्टा है और उस पर ये कढ़ाई हुई हुई है, बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई हुई हुई है इस पर, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल हल्का सा रंग है और यहाँ पे ये बॉर्डर सा बना हुआ है नेक पे, यहाँ पे ये भी एम्ब्रॉयडरी है, ये सारा प्रिंट है, और ट्राउजर का बिल्कुल सिंपल सा है। मेरे ख्याल में इसके साथ कुछ जूते भी आपको चेंज करके दिखाऊं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था कि आपके शूज, आपके सैंडल्स ये सब कहाँ से हैं, तो ये मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे जो आता जाएगा। ये ऑल्डो से है, ये कैनेडा से है, वहां से मैंने लिए थे, वहां तो मेरे इतने पहने नहीं जाते, और ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। इसमें पिंक है तो वो हॉट पिंक है, तो मेरा ख्याल कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है ना, क्या करेगा आप भी बोले नहीं, मैं थोड़ा एहतियात ही कर रहा हूँ बोलने में, क्यों बोल रहे हैं क्या? नहीं ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं, आपको भी हॉल में आना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा आप स्टैंड पे लगा के इसको आप भी आ जाएंगे। नहीं तो मैं आज साथ आके क्या करूंगा, वो कैटवॉक करूंगा साथ। कैटवॉक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब कि वो मैं अननेसेसरी है, लोगों ने तो आप जो कपड़े शपड़े आपके देखने हैं खवातीन ने, तो मैं खाऊं का बीच में फंस जाऊं, मेरा नहीं ख्याल। तो मेरा तो ख्याल अच्छा लग रहा है इसके साथ, पर्स मेरे ख्याल, बट इसमें एक अच्छी चीज ये आ रही है कि अभी ये पिक्चर आपकी दो जगह उसमें मिरर में भी आ रही है। अच्छा, मिरर में भी, कोई साइड, कोई साइड से देखना चाहे शर्ट्स को, पीछे इसके पूरा प्रिंट है।
हाँ प्रिंट तो वो थोड़ा उसमें भी आ रहा है ना, साइड प्रिंट भी आ रहा है उसमें। हाँ, पीछे पूरा प्रिंट है और इसके साथ मैं था ब्लैक, कभी नहीं सोचते ब्लैक पेन शूज और ब्लैक पर्स, चले वो तो मैं बाद में। अब ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता, ठीक है इसको तो करें, इसको करें आप ऑफ, तो अब मैं दूसरे डिजाइन का पेन कर खूबसूरत सा है। इस पे ये देखें ये मोती से लटकाए हुए हैं, जो साइड पे टेंसिल कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें, ये लगाए हुए हैं और बड़ा सा दुपट्टा है इसका, हॉट पिंक इसकी शलवार टाइप का है इसका, ये ट्राउजर नहीं है और लॉन का है। ये देखें ये इस पे गोटा सा लगा हुआ है, बेल सी लगी हुई अच्छी खूबसूरत सी सिंपल सा। इसका ये है कि इस पे ये जाली की बाजू है, इस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो बड़ा खूबसूरत सा सिंपल सा गर्मियों के हिसाब से है। और ये आपको मिलते हैं अलग से, चेन सी मिलती है यहाँ पे लगाने के लिए, तो वो आप लगा लें, तो बड़ा खूबसूरत सा सिंपल सा गर्मियों का आपका ड्रेस बन जाता है। और मैंने इसके साथ पिंक स्लीपर्स पहन ली है, ये स्लीपर्स भी ऑल्डो से हैं और मैं वहीं से कैनेडा से लेके आई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सूट नंबर 3। चले जी, मैं थक गए कपड़े चेंज कर करके ज्यादा आपके ब्लॉग के चक्कर में। ये देखें ये कितना खूबसूरत है, इसका तो दुपट्टा भी आउटस्टैंडिंग है। और अच्छा ये सारा प्रिंट है और ये नीचे इन्होंने ऐसा कटवर्क का लगाया है, इसको काट के लगाया है या क्या है जो भी किया है, बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है। और ये सारा इसके जो वो लगा हुआ था ना इन प्रिंट है वही है, ये बेल लगी हुई है बहुत खूबसूरत सी, लेस लगी हुई है प्रिंटेड, देखें इसकी स्लीव्स हैं और इसका ट्राउजर बहुत खूबसूरत है, उस पर भी सितारे लगे हुए सारे में, ये देखें तो काफी फैंसी सा है ये। तो अच्छा चप्पलें मैं चेंज कर लेती हूँ इसके साथ, चप्पलें आप वाइट पहन लें या ब्लैक पहन लें, मेरे पास दोनों ही हैं। तो ये चप्पलें भी मुझे मेरी दूसरी सिस्टर जो है ना सायरा उसने दी थी, ये दुबई से आई थी उसके पास, उसने ये मुझे दी। और आप बताएं कैसा लग रहा है इसको, मेरे ख्याल मुझे तो ये ज्यादा पसंद है, क्या ख्याल है? ये मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे भी पूछ रही हूँ, अभी तो फिलहाल आप ही हैं। ठीक है अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बार आपको तीनों में से कौन सा पसंद आया? तीसरा है, मैं कहता हूँ ये मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, ज्यादा खूबसूरत है। चलें अब आप बताएंगे आपको कौन सा, वैसे ज्यादातर लास्ट टाइम भी आप लोगों ने फ्रोजी और काला ही पसंद किया था, तो अब देखें इस दफा भी आप फ्रोजी और काला ही पसंद करते हैं या कौन सा पसंद करते हैं, कॉमेंट आप करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। गुड, यू वेलकम, यू वेलकम। वेलकम फॉर व्हाट, गेटिंग टायर्ड? अच्छा जी, इसका सीधा पूठा कहाँ है, सीधा पूठा वैसे है। चले जी, ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, पीच कलर जो होता है बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि आई डोंट नो के ऊपर, मुझे तो अच्छा लगता है ये पीच कलर, है ना जी? अच्छा ये भी लॉन टाइप का ही कपड़ा है, उस पर ये बॉर्डर बना हुआ है, ये गोटा सा लगा हुआ है, काफी फैंसी सा है, पूरा भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी से, तो आप आउटगोइंग के टाइम पे पहन सकते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी तो कुछ कॉटन या रेशमी तो पहन नहीं सकते, तो इस तरह के कपड़े आप पहन के अपने फ्रेंड्स फैमिली के घर जा सकते हैं। और इसके साथ में बस गोल्ड आप ज्वेलरी ले लें थोड़ी बहुत, मेरे पास तो इस वक्त कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो मैं आपको पहन के दिखाऊँ, लेकिन हल्की से इसके साथ गोल्ड और मैचिंग कर लें। पिंक वाले जो मेरे स्लीपर्स हैं जो मैं वहीं से लेकर आई थी अपने साथ, वो मैंने पहने, इसके साथ मैच हो रहे हैं, गोल्डन भी है उसमें, पिंक भी है, ऑरेंज शेड भी है, और इसका ट्राउजर पे भी वो लेस सी लगी हुई है जो यहाँ पे लगी हुई है ना, वही इसके ट्राउजर पे लगी हुई है, और बड़ा खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा हा? अच्छा लग रहा है, यानी अगर ब्लैक के बाद मुझसे पूछो तो ये ब्लैक और उसके बाद ये चले रेड का है, नंबर 1 ब्लैक, सेकंड तो काफी चेहरे से मिलता जुलता, जैसे चेहरे का रंग वैसे ही है। हाँ तो मैंने क्या किया, लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा हल्का सा लगा लिया है ताकि थोड़ा सा न्यूट्रल भी लगे, तो कभी डार्क लगा लें, डिपेंड करता है आपके मूड पे आपको किस तरह चाहिए, दिन में पहन रहे हैं तो लाइट मेकअप करें ताकि बुरा ना लगे, रात में पहने तो डार्क करें। चले जी ये है 5th one, यस 5 और लास्ट वन, आज मैंने 4 की बजाय आपके ऊपर 5 कर दिए, चले आप भी क्या याद रखेंगे, फिर मैं 4 करूंगी। अच्छा ये भी बहुत खूबसूरत सा है, तो ये एक्चुअली पूरा ड्रेस नहीं था, ये कुर्ती है
और बहुत कंफर्टेबल है। सिली सिलाई ली है मेरी बहन ने और ये दुपट्टा उसने मैचिंग के साथ इसके लिए अलग अलग लिया है। प्लस ये ट्राउजर इसका मुझे बहुत पसंद है। इसका ट्राउजर देखिए कितनी डिटेलिंग दी हुई है, खूबसूरत सा बना हुआ है। और इसके साथ अब आप पहने कोई सी भी वाइट स्लीपर पहन लें मेरे ख्याल, क्योंकि इसको आपको ऑलरेडी इतना सिंपल सा और खूबसूरत सा यूनिक सा है, तो आप इसमें वाइट ही पहन लें तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जब आप व्हाइट पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत नजर आएगा ना। तो ये स्लीपर्स भी मैं वहीं से लाई थी। ये पुल आउट है, इस तरह आप इसको करके पुल कर लें तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है सूट, और गर्मियों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, समर स्टाइल है, समर लुक दे रहे हैं, हर चीज ही डिफरेंट तरह से देख रहे हैं आप, तो कितना खूबसूरत है। आप बताएं अब आप बताएं सर, पहले आपने कहा था ब्लैक वन उसके बाद मैं फिर ये कहूंगा कि रेड को कर दो टू, पीच को थ्री कर दो, और ग्रीन वो जो पहला वो था वो जो मेरे घर फोन नंबर पे था उसको उसमें कर दे, और एक बीच में मुझे याद नहीं कौन सा था वो। हाँ, वो तो आपको याद तो, ग्रीन जब पहना था तो मैं इंट्रो करना, इंट्रो से डिलीट हो गया, तो मैं दोबारा से इंट्रो उसका। चलो इंट्रो इसमें कर देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।